अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो है आज भी सहरी पर व्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं लेट उठा था। मैंने सिर्फ 2-3 क्लिप बनाई है वीडियो की और उसके बाद मैंने कहा कि चलो सहरी करके नमाज़ पढ़ के स्टार्ट करूँगा। लेकिन मैंने कहा अब मैं क्या दिखाऊँ, डायरेक्ट सोना है तो सुबह उठ के व्लॉग स्टार्ट कर दूँगा। तो मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। रात को मैंने जो अपना माइंड सेट किया था, मैंने यही किया था यार सहरी में लाजमी व्लॉग स्टार्ट करना है, क्योंकि मैक्सिमम 6 से 7 वीडियोस हो चुके हैं जिसमें सहरी में व्लॉग स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैं कर रहा था सुबह उठकर, तो मैंने सोचा हुआ था रात में कि सहरी में व्लॉग स्टार्ट करूँगा, लेकिन नहीं हो पाया। कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह 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 कल सुबह सहरी में व्लॉग स्टार्ट करूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन पे उंगली फोड़ें, जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और करें शिवसाइड व्लॉग एंजॉय। तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। टाइम हो रहा है 12:20 और आज जो है ना, आज मुझे सबसे पहले जाना है शॉप, क्योंकि मुझे शॉप पर कुछ काम है। मैं आज का फुल लुक शरीफ बच्चा, फुल टोपी लगा कर, तो सबसे पहले मैं चार्जर ले लूँ, क्योंकि मैं लाजमी चार्जर लेकर जाता हूँ। मोबाइल में जो है ना चार्ज ख़त्म हो जाता है, एडिट वगैरह करना होता है, कभी कुछ काम होता है तो ख़त्म हो जाता है। इस वजह से चार्जर मेरे लिए मस्त है। तो बाय बाय, मिलते हैं आने के बाद। 2 hours later घर आओ और लाइट ना होना ऐसा दिमाग घूमता है बाहर। आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इंसान बाहर से आए और लाइट नहीं होना तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो भी रोज़े में। लाइट गई भी है, अभी 1 घंटे बाद आएगी लाइट, और 1 घंटे बाद भी कुछ पता नहीं होता यार लाइट वालों का। ये खाली हल्का सा फ्लश मारता है, फिर गया, फिर 1 घंटे के लिए, फिर गायब, फिर पता नहीं कब आए, कुछ अता पता नहीं होता। अभी अभी आया हूँ, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। तो अभी सबसे पहले मैं जा रहा हूँ शावल लेने। शावल लेने के बाद मैं ऊपर जाऊँगा टेरिस पर, किसी कोने पर बैठूँगा जहाँ धूप नहीं आ रही हो। आज धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और वहाँ पे फ्रेश हवा लेता हूँ। मैं शावल लिया और फ़ौरन से मैं ऊपर आ गया। मैंने अपने हेयर वगैरह कुछ भी कॉमिंग वगैरह नहीं किया, मैंने कहा सबसे पहले ऊपर जाऊँ क्योंकि मुझे गर्मी नीचे काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। और यहाँ जो है ना, ये देखिए आँख से तो पता चल रहा होगा धूप बहुत तेज़ है, तो धूप कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, और इधर बैठने का कोई भी जगह नहीं है। मैं इधर कहाँ बैठूँ, धूप आप लोग देख रहे हैं कैसा है। एक ही जगह है बैठने का, लेकिन वो ख़तरनाक है, उधर मैं नहीं बैठ सकता। हवा तो काफ़ी अच्छी लग रही है, नहा कर आया हूँ, बाल गीले हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, लेकिन पाँव जल रहे हैं क्योंकि मैं चप्पल पहन कर नहीं आया ना, इस वजह से। सुकून, लेकिन धूप। वापसी में नीचे जा रहा हूँ, इतनी तेज़ धूप है टेरिस पर कि मैं टेरिस पे उस बस व्लॉग बोला मैं नीचे जा रहा हूँ। मैं नीचे आया और मेरे हेयर हल्के फुलके सूख चुके, इतनी तेज़ धूप थी। और अभी लाइट आने में सिस्टर ने कहा है 20 मिनट है, तो वेट करते हैं 20 मिनट, फिर उसके बाद जो काम है वो करूँगा। तो वेट, लाइट जल्दी से आ जाए। मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना कि लाइट वाला ऐसा ड्रामा कर रहा है, जब लाइट का टाइम होता है हल्का सा फ्लश मारता फिर चले जाता। आज भी वही सीन हुआ, अभी मैं बैठा हुआ था, हल्की सी लाइट जली और फ़ौरन से लाइट चली गई। इसका मतलब अब लाइट आएगी 4 बजे, क्योंकि 3 बजे आ जाती है, लेकिन अभी ड्रामा कर दिया केसी वालों ने, तो इसका मतलब लाइट अब 4 बजे आएगी। तो 4 बजे तक वेट करना होगा लाइट का। जैसे ही लाइट आती है फिर मुझे अपना काम है, सबसे पहले मैं अपना काम करूँगा। मुझे आप लोगों से एक चीज़ पूछना था, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि घर में बाबा और सिस्टर्स लोग बोल रही हैं कि अपने हेयर कट करवाओ, अच्छे नहीं लग रहे, और मुझे जो है हेयर अपने अच्छे लग रहे हैं। तो इसी में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ईद के लिए क्या करूँ, अपने हेयर कट करवाऊँ, छोटे करवाऊँ या नहीं। तो आप लोग बताएँ कमेंट्स में, मेरा जो वोट है वो नो है कि मैं अपने आप को वोट दे रहा हूँ, मैं नहीं कटवाऊँ, क्योंकि ये जब सेटिंग होगा ना और शेप की इसकी सेटिंग होगी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो आप लोग बताएं यस या नो, अगर आप लोग बोलेंगे यस तो फिर मैं कटवा लूँगा, अगर आप लोग बोलेंगे नो तो फिर नहीं कटवाऊँगा। अभी मैं लाइट का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही लाइट आता है तो फिर मैं अपना काम करने बैठूँगा। आप लोगों ने ज़रूर इसका फैसला करना है, जैसे ही जिसका वोट ज़्यादा होगा यस होगा तो कट करवाऊँगा, अगर नो होगा तो नहीं करवाऊँगा।
इतनी वेट करने के बाद अभी अभी लाइट आई है और मुझे करना अपने लैपटॉप पर काम, तो मैं जा रहा हूँ अपना लैपटॉप लेने। मैं लैपटॉप लेने नहीं जा रहा, मैं इसी रूम में अपना लैपटॉप ले आया क्योंकि मामा कल बैठ चुके हैं एतिकाफ में, तो वहाँ से मैंने अपना जितना भी सामान था मैं लेकर आया हूँ। मेरे पे ये रखा हुआ है टेबल के नीचे, जितना भी सामान था ना मेरा मैंने सारा उस वाले रूम से लेकर इस रूम में रख दिया क्योंकि मामा एतिकाफ में बैठ चुकी हैं माशाल्लाह से, तो नहीं जा सकते। इस वजह से मैंने अपना सारा सामान इस रूम में कन्वर्ट कर दिया। मैं जल्दी से ये टेबल रखूं और अपने लैपटॉप में काम करूं। लैपटॉप मैंने अपना ऑन कर दिया, लैपटॉप ऑन कर चुका हूं। काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है, इसको मैं साफ़ कर लेता हूं सबसे पहले। इशी पता नहीं आवाज़ जाएगा नहीं जाएगा, भांजी आई भी है मेरी बड़ी, तो उससे मैं कपड़ा मंगवाता हूं। बेटे इधर आओ, वहाँ से कपड़े लेकर आना, साफ़ करना है, साफ़ कपड़ा लेकर आना। हो गई ये कपड़े लेने, वो कपड़े लेकर आती, सबसे पहले मैं साफ़ करूँ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँगा, मैंने एक न्यू अकाउंट बनाया है फेसबुक पर जिसमें माशाल्लाह अच्छे खासे फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो चलें आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। लो सब साफ कर दूँ, ले जाना ये लो, चलो जाओ, बाय 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 बाय। मोटी फली खाती है। तो मैं फेसबुक अपना ऑन करता हूँ, ये देखें ये मेरा फेसबुक पेज है, जाके इसको लाजमी फॉलो कर देना आप लोग। और अभी मुझे कुछ काम है वो मैं सबसे पहले काम करता हूँ। ये मैंने कल अपलोड की है पिक्चर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आगे। ये वाली पिक्चर मैंने अपलोड की है, इंस्टाग्राम पे भी मैंने अपलोड की हुई थी। इंस्टाग्राम पे मैंने काफ़ी पहले की थी जब मैंने ये पिक्चर क्लिक की थी, तो आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है, तो अगर नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर देना, मैं हैंडल डाल दूंगा। और फिर उसके बाद बर्थडे वाली थी ये, तो मैंने अपलोड किया। फेसबुक पे मेरी काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स वगैरह होती है, और अभी इंशाल्लाह इसमें काफ़ी कुछ न्यू डलने वाला है, तो लाजमी जाके फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। काम फिनिश हो चुका है, और फेसबुक जो अकाउंट है ना मेरा वो काफ़ी पहले से था, लेकिन माशाल्लाह से अभी इसके फ्लोअर्स वगैरह ज़्यादा हुए। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें कोई न्यू चीज़ लेकर आऊँ, अगर कोई न्यू नहीं आया तो इसमें आप लोगों को पता है ना फेसबुक में कैसे अच्छे अच्छे मीम्स वगैरह चलते हैं, और एडिटर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, अच्छा नहीं बोलता अपने आप को लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी अच्छी एडिटिंग कर लेता हूँ, तो कोशिश करूँगा कि इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे मीम्स वगैरह आए। तो अभी इसमें काम नहीं करूँगा, अभी तो सिर्फ रमज़ान में अभी फेसबुक अकाउंट वगैरह सेट करने, इसके फॉलोअर्स वगैरह बढ़ाने, आप लोगों को बता बता के। फिर जैसे ही ईद ख़त्म होगा इंशाल्लाह ईद के बाद काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें आने वाली। अब मैं जल्दी से अपना लैपटॉप ऑफ करके बंद हो जा जल्दी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ बन हो गया, और मुझे अपना बैग साफ़ करना, लेकिन बैग का जो कचरा है ना अभी तक वैसे ही पड़ा हो, इसको मैं अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इसको मैं साफ़ करूँ। तो ये कहाँ जा रहा है, गिर नहीं जाना, बहुत महंगा लैपटॉप है। चल ऑफ 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 मैं बैग को अपने जगह पर रख दिया है। अब मैं जब रात को काम करता ना फिर मैं यहाँ से लेकर चले जाता हूँ अपने दूसरे रूम में काम करने के लिए। और अब है असर की अज़ान होने वाली है, जैसी अज़ान होती है तो नमाज़ पढ़ते हैं। अज़ान हो चुकी है और नमाज़ का टाइम हो गया है, तो सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ूँ फिर उसके बाद आऊँगा और फिर देखता हूँ आज इफ्तारी में क्या क्या बन रहा है। नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ और इफ्तारी की तैयारी हो रही, देखता हूँ इफ्तारी में आज क्या क्या बन रहा है। समोसे वगैरह रेडी हो रहा था, मैंने आप लोगों को दिखाया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें रेडी हो रही है। अभी मेरा दिल नहीं है कि मैं उधर जाऊं किचन की तरफ क्योंकि सिस्टर पका रही हैं और मामा इतिकाफ में बैठ चुके हैं, तो
गुजारा करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है ना, मामा के हाथ के जो खाना होता है वो फिर किसी के भी हाथ का नहीं होता। तो जब तक मामा इतकाफ में 10 दिन, तो सिस्टर के हाथ का खाना पड़ेगा। वो अब वो अच्छा बने या बुरा बने, मजबूरी है, खाना लाजमी है। तो अभी मैं अभी इधर थोड़ा सा आराम करूँगा, मैं अपना फ़ैन ऑन कर लूँ, फिर इफ्तारी के 15 से 20 मिनट पहले उठूँगा। क्या सुकून मिला, सिर्फ आधे घंटे लेटा हूँ और बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है। रूम फुल अंधेरा था और कोई आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल अच्छे से मज़ा आ गया बिल्कुल लेटने में। अभी पापा की आवाज़ आ चुकी है, 17 मिनट बाकी है इफ्तारी खुलने में। तो जल्दी से उठता हूँ, वज़ू वगैरह बनाता हूँ, क्योंकि सिर्फ 17 मिनट उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं है यार। लेकिन क्या, इफ्तारी में जल्दी बैठना चाहिए। वज़ू बना चुका हूँ और अब जा रहा हूँ इफ्तारी में बैठने। ये जो फ्रंट से जो हवा आती है ना, सुकून मिलता है यार। और मौसम भी बहुत ही, शाम का व्यू आप लोगों को पता है कितना अच्छा होता है। तो व्यू देखने का टाइम नहीं, इफ्तारी का टाइम होने वाला है। चलते इफ्तारी में बैठना और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। इफ्तारी भी हो गई, नमाज भी पढ़ लिया और व्लॉग को करते यहीं पर एंड, क्योंकि अभी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है वहाँ जाना है, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। मैंने कहा व्लॉग एंड करता हूँ फिर जाता हूँ। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट है, और फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम को भी। तो दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।